विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गिरिडीह समाहरणालय परिसर में पौधारोपण किया गया। आज परिसर में विभिन्न प्रजाति के 10 पौधे लगाए गए। साथ ही पूरे परिसर का भ्रमण करके यह योजना बनाई गई कि पूर्व में लगाए गए पौधों को संरक्षित एवं बढ़िया ढंग से पालन पोषण करने हेतु आने वाले दिनों में कार्य किया जाएगा। उपायुक्त के द्वारा जनता से यह अपील किया गया कि पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु सभी अपने अपने घरों एवं कार्यालय परिसर में पौधे वृक्ष लगाएं एवं उसका बढ़िया ढंग से ख्याल रखें। डीसी, डीडीसी, डीडब्ल्यूओ, एनडीसी, डीपीआरओ, समाहरणालय कर्मीगण मुक्तेश्वर प्रसाद, साधन मुखर्जी, प्रदीप गोस्वामी, अनिल कुमार, अमित सिंह, सौरभ कुमार, राजेश कुमार, टुनटुन राय, देवानंद, गौतम कुमार अन्य उपस्थित हैं। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और कल ही चूंकि इलेक्शन की सारी प्रक्रिया समाप्त हुई है, लेकिन ये सभी के जहन में तो जरूर था कि हम लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष की भांति ये मनाना है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भी मनरेगा की जो योजना चलती है तो मनरेगा टीम के द्वारा भी ये बताया गया था और हम लोग सभी ब्लॉक्स में भी ये पर्यावरण से संबंधित प्लांटेशन का पौधारोपण का काम कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे गिरिडीह के जिला समाहरणालय में के प्रांगण में हम लोग पौधे लगा रहे हैं और पूर्व में भी हम लोगों ने इस प्रांगण में विभिन्न एनजीओज के माध्यम से या सीएसआर के भी माध्यम से प्लांटेशन लगाया है। कुछ प्लांटेशन का काम हमारा बिरसा हरित ग्राम योजना का या मनरेगा का या सीएसआर से हम लोगों को कुछ प्लांटेशन कराने हैं, जो पिछले वर्ष हम लोगों ने नीति आयोग के रेजुनुवेशन ऑफ वाटर बॉडी मतलब जो हमारे वाटर बॉडीज थे उसके सुदृढ़ीकरण किए थे, तो उसके एम्बैंकमेंट में भी हम लोगों को पौधारोपण करना था। तो अब एमसीसी के बाद में इस सब की प्रक्रिया ये शुरू होगी और ये सीज़न भी सूटेबल है हमारे लिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रकृति का प्रकोप किस प्रकार आए दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे और इसके संरक्षण में ध्यान नहीं देंगे तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने घरों में अपने ऑफिस में पेड़ लगाएं। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूर्व के दिनों में या पूर्व के वर्षों में जो भी पौधा लगाया है वो सही से जीवित है और उसका खाद पानी और वो सही से बढ़ रहा है, इसका भी आप लोग टेक केयर करें। तो हमारे प्रांगण में जो भी ऑर्गेनाइजेशन से या सीएसआर से हम लोगों ने कई पौधे लगाए हैं और पिछले दो वर्षों में तो 5 जून को लगाया ही है, तो उसमें भी हम लोग गेबियन का और इसका प्रॉपर सही से वीडिंग हो रहा है और प्लांट हमारा बढ़ रहा है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं और ये पर्यावरण दिवस के संदेश आप लोगों के माध्यम से हमारे आमजनों को पहुँचे, इसके लिए धन्यवाद।